अभिशा थिएटर ग्रुप है और हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 10 दिन की वर्कशॉप के बाद एक छोटा सा एक सीन वर्क बनाया है। क्लाउनी एक बहुत ही मतलब एक प्योर विधा है, आर्ट फॉर्म है, जो कि एक एक्टिंग आर्ट फॉर्म है और इसका बहुत ज़्यादा यूज वेस्ट में पेशेंट्स को हील करने के लिए भी किया जाता था। बाद में बहुत सारे जगलर्स लोग इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे क्लाउनिंग आर्ट फॉर्म बहुत आगे बढ़ा और अब मतलब हम लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। बच्चों के साथ ही एक छोटा सीन वर्क तैयार किया है जिसका नाम है बर्थ ऑफ ए क्लाउन और आप लोग सब मैच्योर लोग हैं, मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा और आई होप आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक। Ha 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 ha!
I
I am Popo. यहाँ पर करते रहते हैं एंड थैंक्स टू भास्कर सर जो स्पेशली इस विधा के माहिर है जो अभी अभी भास्कर में प्लीज आओ ना भास्कर एंड मेहनत का काम है क्योंकि हमें लगता है कि क्लाउन्स और ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाती होगी लेकिन हर एक मोमेंट को ढूंढना एक लैंग्वेज को बनाना कोऑर्डिनेशन बनाना और कोई बनी बनाई स्क्रिप्ट नहीं होती जो कुछ भी था वो इम्प्रोवाइजेशन ही था तो उस इम्प्रोवाइजेशन को 10 दिन में 25 लोगों के साथ तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो भास्कर सर के लिए हम लोगों का थिएटर एक्टिविटीज रेगुलर वे में इधर चलता है आप लोग अपने आसपास के नीड की किसी को भी थिएटर से रिलेटेड कोई इंक्वायरीज हो तो क्रिएटिव अड्डा जॉइंट थिएटर आई मीन अभिषा थिएटर एंड फिल्म्स मेरा नंबर फेसबुक सोशल मीडिया पर हर जगह है
स्पेशली किसी को प्लाउंगिंग की वर्कशॉप्स करनी हो तो भास्कर सर का भी इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है, आप इनका संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले इन्होंने अभी ले चकल्लस में भी एक वर्कशॉप किया था, अभी अभिषा थिएटर के साथ है। आने वाले समय में वो क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, विसलिंग बोर्ड्स ऐसी जगहों पर ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर इस तरीके का कोई वर्कशॉप्स अरेंज करना हो आपस में अपने ग्रुप के साथ या आपके लिए, तो आप बेझिझक इनका संपर्क कर सकते हैं। एंड थिएटर रेगुलर वे में ज्वाइन करना है तो आप अभिषा थिएटर एंड फिल्म्स पर आकर और ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नाटक करते हैं, नाटक की को एक मेटाफर मानते हुए हम ओवरऑल एक्टिंग पर काम करते हैं कि ये बेस थिएटर का है। बट मेनली क्या है ना कि हम उस तरीके से एक्टर को पॉलिश करें कि वो एक्टर जो है हर जगह खड़ा उतरे हो, चाहे फिर आपका एक्ट फिल्म से लेकर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी शो एंड थिएटर। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, और हमारे हम लोगों की एक पूरी टीम बनी है जिसमें नटराज ने भी हमको काफ़ी हेल्प की है इससे पहले यही एक्टर्स के साथ हुए थे। रस साधना, क्योंकि एक्सप्रेशन अगर आपके चेहरे पर भाव ही नहीं आएंगे उससे पहले ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो आकाश, आकाश मेरे साथ आकाश ने इस प्ले में मेरे को आ जाओ आकाश, ये प्ले में तभी बना पाया और डायरेक्ट कर पाया क्योंकि सपोर्ट सर का था, सर ने इनिशिएट किया कि ये करते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक वर्कशॉप के रूप में चल रहे थे, सर ने मोटिवेट किया कि एक छोटा सीनवर्क भी बनाते हैं। और ये आपको बस थोड़ा ऐड कर रहा हूँ कि ये जो नोज आप देख रहे हैं ये सभी बच्चों ने मिलके बनाया, मतलब ये प्लास्टिक की बॉल लेकर आया, उसको काटा, थ्रेड लगाया। तो ये और ये वास्तव में मतलब मैंने जब क्राउन विदाउट बॉर्डर यूएसए और स्वीडन के साथ काम किया था तो मुझे तोहफे के रूप में मिला था और वो काफ़ी महंगा है, मतलब वो तकरीबन तो 5000 का होगा एक क्राउन नोज, क्योंकि वो प्लास्टिक का, वो अच्छी ड्यूरेबल होता है। ये हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया और बच्चों के साथ एक पहले बनाया, फिर सबने बनाया और ये देखिए सभी के नोज बराबर हैं और काफ़ी मतलब हमें लगा कि ये इससे इन लोगों ने वर्कशॉप में नोज बनाना भी सीखा जो कि हमारे करिकुलम में नहीं था। तो वो भी एक बहुत अच्छा चैलेंज है। जैसे कि कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने खुद ही किया है, हमने जो एक स्पेस और एक लाइट प्रदान करके दिया था, बाकी सब कुछ था जो उनका था। तो आप लोग बस इसी तरीके से हमारा साथ जुड़ते रहिए, हम प्लेस करते रहेंगे। वीडियोग्राफी के लिए फारूक है जिन्होंने पागल हो गए था। वो पहला जो उषा का कैरेक्टर था बहुत मुझे दिल को छू गया, अच्छा कैरेक्टर उन्होंने पकड़ के रखा, होल्ड किया, बहुत अच्छा लगा। क्लाउनिंग मेरा पहला एक्सपीरियंस था और फुल ऑन मैडनेस थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इट्स वेरी फनी एंड इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्ले करना, इट्स लाइक वाओ। आलोक सर तो है ही सुपर, मेरा बच्चा एंड होल टीम वाज।